हिंदी के अंतर्गत आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे संधि विच्छेद, इसमें जिससे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोग को बताएंगे संधि क्या होता है। संधि दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम प्लस धी, सम प्लस धी, जिसका तात्पर्य होता है क्या, मेल या योग, मेल या योग। अब इसमें हम देखते हैं कि जिसमें पहले वर्ण का, पहले वर्ण के पहले शब्द के आखिरी ध्वनि, संधि के अंतर्गत देखते हैं कि पहले शब्द के आखिरी ध्वनि और दूसरे शब्द के पहले ध्वनि के योग को हम जब सम्मिलित करते हैं, या उसका जो क्या नाम है, उसका जो विकार होता है, जैसे कि पहले शब्द का आखिरी ध्वनि, और दूसरे शब्द के पहली ध्वनि, सो जो विकार या परिवर्तन होता है तो वो क्या होता है, आपका संधि कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं संधि के अंतर्गत, अति आवश्यक, अति प्लस आवश्यक, तो यहाँ पे क्या है, दूसरे शब्द की पहले शब्द के अंतिम शब्द मतलब अंतिम ध्वनि, तो यहाँ से क्या निकला, ह्रस्व ई, और यहाँ से क्या निकला, दीर्घ आ, तो ई और दीर्घ आ मिलाकर क्या हो जाता है, या बनता है। ये आपको आगे यण स्वर संधि के अंतर्गत मिलेगा कि ई और या आ को मिलाकर के या बनता है। तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, जब इसका सम्मिलित रूप करेंगे तो क्या हो जाएगा, अत्यावश्यक। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि विच्छेद क्या होता है। विच्छेद का मतलब होता है कि संधि का पूर्व रूप, क्या कहलाता है, विच्छेद कहलाता है, संधि का पूर्व रूप क्या कहलाता है, विच्छेद कहलाता है। जैसे कि अत्यावश्यक, अत्यावश्यक, तो इसका हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनता है, अति प्लस आवश्यक, तो क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ कि संधि का पूर्व रूप, तो संधि ये आपका है और इसका ये क्या कहलाता है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे संधि और इसको हम कहेंगे विच्छेद। तो संधि विच्छेद के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, संधि विच्छेद के तीन भेद होते हैं। ये आपका विच्छेद मतलब होता है संधि का पूर्व रूप, जिसे हम विच्छेद कहते हैं, जैसे कि अत्यावश्यक हो गए तो अति प्लस आवश्यक। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ संधि का पूर्व रूप यानी कि अत्यावश्यक, तो ये आपका संधि हो गया और ये विच्छेद हो गया। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि अभी हमने कहा कि संधि के तीन रूप होते हैं, कौन कौन से होते हैं,
पहला होता है आपका स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा आपका होता है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरा आपका होता है विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम इस संधि विच्छेद के अंतर्गत सबसे पहले क्या देखेंगे, स्वर संधि क्या होते हैं। दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। दो स्वरों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, तो अब इसके हम कुछ एग्जांपल जैसे देख लेते हैं कि कैसे हमारा संधि जब मतलब विच्छेद करते हैं, उसका संधि का दो पार्ट करते हैं, तो वो कैसे जुड़ करके फिर आपका एक शाब्दिक अर्थ देते हैं। जैसे कि विद्यालय हो गया, विद्यालय, तो इसको हम दो पार्ट में तोड़ते हैं, मतलब कि इसका संधि विच्छेद करते हैं, तो क्या बनेगा, विद्या धन आलय। तो ये आपका विद्यालय हो जाएगा। यहाँ से क्या निकलता है, ह्रस्व आ निकलता है, और यहाँ से क्या निकलता है, दीर्घ आ निकलता है। तो ह्रस्व और दीर्घ मिलकर क्या बन जाता है, दीर्घ बनता है। तो इस तरह ये आपका विद्यालय हो जाता है। अब स्वर संधि के भी भेद होते हैं, स्वर संधि के भेद देखते हैं अब हम। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, पांच भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। फिर दूसरा आपका गुड़ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संध, गुड़ स्वर संध। फिर उसके बाद में वृद्ध स्वर संध, वृद्ध स्वर संध। और चौथा आपका यड़ स्वर संध, यड़ स्वर संध। और पांचवा आपका आयाद स्वर संध, आयाद स्वर संध। ठीक, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं क्या दीर्घ स्वर संधि क्या होते हैं, दीर्घ स्वर संधि क्या होते हैं। ठीक, तो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि दो स्वर वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, दीर्घ स्वर संध बनाते हैं। दीर्घ दो स्वर वर्ण, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जैसे ह्रस्व आ और ह्रस्व आ मिलेगा तो क्या हो जाता है, दीर्घ आ बनता है। या ह्रस्व आ, ह्रस्व आ और दीर्घ आ बनेगा तो क्या बनेगा, तो भी आपका दीर्घ आ बनेगा। या दीर्घ आ या ह्रस्व आ मिलेगा तो आपका दीर्घ आ बनेगा, और दीर्घ आ और दीर्घ आ मिलेगा तो भी आपका दीर्घ आ बनेगा। इसी तरह से हम देखते हैं ई, ह्रस्व ई और ह्रस्व ई तो क्या बनेगा, दीर्घ ही बनता है। और दीर्घ ह्रस्व ई और दीर्घ ही
मिलेगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ई और दीर्घ ई और ह्रस्व ई मिलेगा तो क्या बनेगा, दीर्घ ई और दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलेगा तो ये क्या बनेगा, दीर्घ ई बनता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, ऊ देख ले हैं, हरस उ और हरस उ तो क्या बनेगा, दीर्घ उ, हरस उ और दीर्घ उ बनेगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ उ, दीर्घ उ और हरस उ तो भी क्या बनेगा आपका, दीर्घ उ बनता है। तो ये आपका हो गया क्या, दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत जब हम दो स्वरों को आपस में मेल करते हैं तो उनसे बनने वाले शब्द क्या होंगे, आपके दीर्घ स्वर संधि बनेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल समझ के अंतर्गत दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत देखते हैं जो एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है, विद्यालय, विद्यालय। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्या धन आलय। अब देखिए विद्या यहाँ से क्या निकल रहा है, दीर्घ आ निकल रहा है, और यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से भी दीर्घ आ निकल रहा है। तो अभी हमने बताया है कि दीर्घ आ और दीर्घ आ मिलके क्या बनते हैं, दीर्घ आ ही बनते हैं। और जब यहाँ पे आपका जब यहाँ से दीर्घ आ निकल जाता है तो ये यहाँ पे बचता क्या है, यहाँ पे बचता है स्वर विहीन दा बनेगा, बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, लय बचेगा। और जब आ करके इसमें ये मिलता है यहाँ पे, ये यहाँ पे आ करके जब अपना स्थान पे पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा, विद्यालय बनेगा ये, ठीक। इस तरह से इसका संधि विच्छेद होता है। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत देखते हैं क्या अगला है हमारा, धर्मा धर्म, धर्मा धर्म। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, धर्म प्लस अधर्म, ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा इसका, धर्माधर्म का। यहाँ से क्या निकलेगा, आ निकलेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से भी आ निकलेगा। इसका सम्मिलित रूप दीर्घा बनेगा। यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे स्वरविहीन माँ और यहाँ पर धर्म बचेगा। ये जब यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस पे माँ पे बड़ांग मात्रा लग जाएगा और ये आपका बन जाएगा धर्मा धर्म, ठीक। इस तरह से कुछ और एग्जांपल इसके देख लेते हैं, जैसे आपका गिरीन्द्र है, गिरीन्द्र तो क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, गिरी, गिरी मतलब क्या होता है, गिरी मतलब होता है पर्वत, और इंद्र, इंद्र तो भगवान है ही साक्षात। तो इसलिए कभी भी संधि विच्छेद के अंतर्गत हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि इनका दो पार्ट ऐसे करना है जिनका कोई शाब्दिक अर्थ निकले। जैसे यहाँ पे गिरीन्द्र है तो गिरीन्द्र का हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हुआ, एक गिरी, गिरी मतलब पर्वत होता ही है, और एक इंद्र। तो अब यहाँ पे क्या निकलेगा आपका, हरस्व ई, और यहाँ पे क्या निकलेगा, हरस्व ई, ये आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ही बनेंगे। तो ये आपका सम्मिलित रूप क्या बन जाएगा इसका, गिरीन्द्र बन जाएगा, ठीक। अब दीर्घ स्वर संधि के बाद में अब हम देखते हैं क्या, गुड़ स्वर संधि। नेक्स्ट जो है दूसरा हमारा स्वर संधि के अंतर्गत वो हमारा है गुड़ स्वर संधि। गुड़ स्वर संधि गुड़ स्वर संधि ये हमारा है स्वर संधि के अंतर्गत दूसरा टॉपिक। तो इसमें हम क्या क्या है इसका परिभाषा कि हरस्व आ दीर्घ, हरस्व ई और दीर्घ ई के बाद में, सॉरी, हरस्व आ और दीर्घ आ के बाद ई दीर्घ ई
ऊ दीर्घ और री जब मिलते हैं तो क्या बनता है? ह्रस्व अ दीर्घ के बाद ई दीर्घ ही बनेंगे तो ए बनेगा। ह्रस्व आ और दीर्घ के बाद ऊ और दीर्घ मिलेगा तो ए बनेगा, और री मिलेगा तो क्या बनेगा? आर बनेगा। तो अब देख लेते हैं इसका ह्रस्व आ, कहने का तात्पर्य ये है कि ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद में ई दीर्घ ई और ऊ दीर्घ ऊ और री जब मिलते हैं तो क्या बनेगा? ह्रस्व ई और ए का ए बनेगा, आय बनेगा, और यहाँ पे क्या बन जाता है? आर बन जाता है। ठीक है, तो इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसके तहत आने वाले एग्जांपल जैसे रमेश, तो रमेश का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? रमेश का संधि विच्छेद करेंगे तो रमा धन ईश, तो इसमें से क्या निकलेगा? यहाँ से हरस आ, और यहाँ से क्या निकलेगा? हरस ई। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं हरस आ के बाद हरस ई मिलता है तो क्या बनते हैं? ए का मात्रा ए बन देता है ए, और यहाँ पे क्या बचता है? यहाँ पे बनता है आपका, यहाँ पे हरस आ निकल गया तो यहाँ पे स्वर विहीन माँ बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? सा बचता है। तो अब ये बनता क्या बनेगा क्या? यहाँ पे ए हो जाएगा। तो अब ये जब यहाँ पे आकर के ऐड हो जाएगा तो क्या बनेगा? रमेश, ए आकर के यहाँ पे ऐड होता है तो ये आपका रमेश बन जाता है। इसी के अंतर्गत हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। रमेश के बाद में ले लेते हैं दूसरा एग्जांपल हम बनोत्सव। ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। इसका संधि विच्छेद होता है वन प्लस उत्सव, तो वन यहाँ से क्या निकलेगा? आपका हरस्व आ निकलेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा? हरस्व ऊ निकलेगा। इसका सम्मिलित रूप क्या हो जाएगा? आ और ऊ के बाद क्या बनता है? आय बनता है, तो क्या हो जाएगा? आय बन जाएगा। तो ये आपका जब यहाँ पे आकर के जुड़ेगा तो ये आपका क्या बन जाएगा? वन उत्सव। ठीक, फिर उसके बाद में एक हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं री, जो अर बनता है ह्रस्व आ दीर्घ के बाद री आने पर अर बनता है। तो उसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे महर्षि होता है, महर्षि, तो महर्षि का जब संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा? महा धन ऋषि, क्या हो जाएगा? महाधन ऋषि। यहाँ से क्या निकलेगा? दीर्घ निकलेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा? री। दीर्घ आ और री मिलेगा तो क्या बनेगा? अर बनेगा, क्या हो जाएगा? अर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? महर्षि। ठीक, अब ये आपके हो गए स्वर संधि के तहत गुड़ स्वर संधि, ये आपका दूसरा टॉपिक था। और फिर तीसरा हम देखते हैं दीर्घ स्वर संधि के गुड़ स्वर संधि के बाद क्या आता है आपका? वृद्ध स्वर संधि। स्वर संधि से हर एग्जाम में कम से कम 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। गुड़ स्वर संधि के बाद तीसरा है आपका वृद्ध स्वर संधि। वृद्ध स्वर संधि, ठीक। वृद्ध स्वर संधि में क्या होता है कि जैसे ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद में जब ए आए ओ औ मिलाते हैं तो क्या बनते हैं? ए और ए के बाद आए बन जाता है, और ओ औ के बाद क्या बन जाता है? औ बनता है। कहने का तात्पर्य है कि ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद में ए आए या ओ और औ मिलते हैं तो क्या बनेगा? ए आए से क्या बन जाएगा? आए बनेगा, और ये ओ और औ से मिलेगा तो क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा, औ बनेगा। तो आइए इसका हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे सदैव, सदैव
तो सदैव का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सदा धन एव। ठीक, सदा धन एव। तो इसका यहाँ पे जब यहाँ पे क्या निकलता है, दीर्घ आ निकल रहा है और यहाँ से क्या निकल रहा है आपका, ए निकल रहा है। तो ए और दीर्घ तो क्या बनेगा, आय बन जाएगा। ठीक, क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। और यहाँ पे बचता क्या है, सद प्लस वह बचता है यहाँ पे आपका। ठीक, तो ये जब आकर के ऐड होगा यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, सदैव। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एक लेते हैं एग्जांपल परम ओजस्वी, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, परम प्लस ओजस्वी। तो परम यहां से क्या निकला, आ निकला, और यहां से क्या निकलेगा, ओ निकलेगा। तो आ और ओ मिलके क्या बनते हैं, औ बनते हैं। यहाँ पे बचेगा क्या, जब यहाँ पे आ निकल गया तो ये स्वर विहीन माँ बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, जस्वी। तो ये जब औ आकर के यहाँ पे मिलेगा तो क्या बन जाएगा, परमौजस्वी। ठीक, अब हम और एक एग्जांपल इसी के अंतर्गत देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं काफ़ी बार, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। परम ओजस्वी के बाद में देखते हैं महोज, यह आपका बीएड 2017 में पूछा गया था। महोज, महोज महा प्लस ओज, यहाँ से क्या निकलेगा, दीर्घ आ, और यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलता है ओ। तो क्या बन जाएगा, दीर्घ आ और ओ मिलके औ बनता है। तो क्या बन जाएगा, महा यहाँ पे बचता है महा प्लस जा, ये औ आके यहाँ पे ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, महोज। ठीक, इस तरह से ये आपका वृद्ध स्वर संध हो गया। वृद्ध स्वर संध के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक स्वर संध के अंतर्गत आता है वो आता है आपका यड़ स्वर संध। यड़ स्वर संध, यड़ स्वर संधि के अंतर्गत इसके हम एग्जाम्पल वो डिफिनेशन देखते हैं कि जैसे ई हरस्व ई दीर्घ ई ऊ दीर्घ ऊ के बाद ऊ हरस्व ई दीर्घ ई हरस्व ऊ दीर्घ ऊ और री के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो ये मिल करके क्या बनता है, या वा और रा, और ये या वा रा जो बनते हैं वो स्वर विहीन या वा और रा बनेंगे आपके। जैसे कि कहने का तात्पर्य ये है, हरस्व ई दीर्घ ई ऊ दीर्घ ऊ और री, इसके बाद में क्या, भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर। कोई भिन्न स्वर आए तो क्या बनेगा, स्वर विहीन या स्वर विहीन हुआ और स्वर विहीन रहा। ठीक, इसके अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम, जैसे कि क्या अत्याचार, अत्याचार तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अति प्लस आचार, आचार। तो क्या यहाँ से निकलेगा,
ह्रस्व ई, और यहाँ से क्या निकलेगा दीर्घ आ, ह्रस्व ई के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए तो क्या बनेगा या बनेगा, कौन सा स्वर विहीन या बनेगा। तो अब इसका सम्मिलित रूप क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ करके जब स्वर विहीनता है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा ह्रस्वता हो जाएगा, और ये आपका चार आ करके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा अत्याचार। अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं इसी के अंतर्गत, यड्स और संध के अंतर्गत, अति उक्ति अति युक्ति। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा अति प्लस उक्ति। इसका यहाँ से क्या निकलेगा ह्रस्व ई प्लस उ, तो ह्रस्व ई के बाद में क्या बनेगा ये या हो जाएगा, तो ये आपका सम्मिलित रूप इसका क्या बनेगा अति, और यहाँ पे आकर के युक्ति अति युक्ति हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद में एक और एग्जांपल लेते हैं जो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, मध्वालय। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा मधु धन क्या हो जाएगा आलय। तो यहाँ से क्या निकलेगा हरस उ, और यहाँ से क्या निकलेगा दीर्घ, तो हरस उ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो क्या बनेगा वा बनेगा। ठीक, तो इसका सम्मिलित रूप जब यहाँ से आएगा तो क्या बनेगा मध्वालय। अब हम नेक्स्ट स्वर संधि के अंतर्गत आने वाला जो संधि है वो देखते हैं अयाद स्वर संधि। क्या देखते हैं अयाद स्वर संधि, जो हमारा स्वर संधि के अंतर्गत अंतिम टॉपिक है अयाद स्वर संधि। अयाद स्वर संधि में क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या है कि जब ए आए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ए हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का आओ हो ओ का औ हो जाता है, और आओ का औ का आओ हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ए आए ओ और औ के बाद में कोई भिन्न स्वर जब आएगा तो क्या बन जाएगा ए का आय बनेगा, फिर आय का आय बनेगा, फिर औ और आओ बनेगा। ठीक, आओ अब इसके एग्जांपल देखते हैं आज स्वर संधि के अंतर्गत आने वाले जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, जैसे होता है क्या गायक। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा गय प्लस अक, तो क्या बनेगा यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से निकलता आए और यहाँ से क्या निकलता है आ, तो आए के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो क्या बनेगा आय बनता है। ठीक, आय बनता है। अब ए और ए या ये जो है ये जब मिलेगा आपस में तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये आपका यहाँ पे बनता है आय, ये आय बना, ये आपका जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो फिर ये जब यहाँ पे जब इसको देखते हैं तो ये बचता क्या है, इसको यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या बचेगा ये आपका स्वर विहीन गा बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका ये आकर के जुड़ेगा तो आय हो जाएगा, और फिर उसके बाद का यहाँ पे जुड़ जाता है,
तो क्या बनेगा यहाँ पे, गायक, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं इसके तहत। देखते हैं धाविका, धाविका, धाविका का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, धाव प्लस इका, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से आपका निकलेगा औ, यहाँ से आपका औ निकला, और यहाँ से आपका क्या आया, यहाँ से आपका आएगा वाह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ई आएगा, तो ये आपका हो जाएगा आओ, यहाँ पे आओ और भिन्न सर तो क्या आएगा, आओ हो जाएगा। तो अब ये आपका जब मिल करके जो वो सम्मिलित रूप होगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्वर विहीन धा बचेगा, और फिर उसके बाद में आपका आव प्लस का, तो क्या बन जाएगा, धाविका। इस तरह से आपका स्वर संध के अंतर्गत आने वाले जो पांच टॉपिक थे, दीर्घ स्वर संध, वृद्ध स्वर संध, गूढ़ स्वर संध, यड़ स्वर संध और आयात स्वर संध, इसका हमने आज डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको व्यंजन स्वर संध और विसर्ग स्वर संध पढ़ाएंगे। धन्यवाद।